रक्षा बेबी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि बुआ दादी ऐसे बिहेव क्यों करती है। मतलब है कि तुम सबकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, सबकी परवाह करते हो, फिर बुआ दादी तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं। आई डोंट लाइक। सच कहो तुमसे, बुआ दादी की बातों से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। एक्चुअली बात यह है कि उनकी कड़वी बातें और उनके तानों की वजह से मुझे मेरे अपनों का छुपा प्यार दिखता है, जैसे कि पिट्टू का। अच्छा, तो सिर्फ रुतबे में ही नहीं, बातों से भी बहुत धनी हो तुम। अपनी बीवी को किस तरह से स्माइल कराना है ये तुम्हें अच्छे से आता है। बात यह ना सोना, एक आशिक को आशिकी सिखाने नहीं पड़ती, उसकी मोहब्बत जब उसके साथ में होती है तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। ओ बस रोमांटिक बातें करवा लो तुमसे। हनीमून तो प्लान किया नहीं अभी तक। मेरा मतलब है कि सावी का घर वापस आना, तो उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना, इन सब में हम इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हमें शायद प्लान करने का, सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो बस बोल रही हूँ क्योंकि पासपोर्ट पासपोर्ट से क्या हुआ?